Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Tapri. Hopefully, आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, अपने और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे. तो guys, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं VIT की रिगार्डिंग, क्योंकि VIT का पेपर अब होने वाला है. तो VIT की काउंसलिंग के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पेपर की जो तैयारी है लगभग आप लोगों ने ऑलरेडी कर ली होगी. जनरली जो बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, चलो भैया पेपर तो अब हो गया है, अब काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा एडवांस में आप लोगों के लिए बना के दे रहा हूँ. तो टाइम वेस्ट नहीं करता है, लेट्स गेट स्टार्टेड. हमेशा की तरह लेफ्ट में सारी चीजें आपको दिखाता हुआ चलूंगा, और अगर आप जो लोग चाहते हैं हमसे जुड़ना, इंडिविजुअल काउंसलिंग करवाना, काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, तो आप भी खुद को एनरोल कर सकते हैं. टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप हमसे सीधा वहां पे जुड़ सकते हैं. सो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड. और सबसे पहले आपको लेफ्ट में दिख ही रहा होगा वीआईटी काउंसलिंग प्रोसेस 2022 चेक स्टेटस स्केड्यूल प्रोसेस एंड फीस बाय एग्जाम टपरी. चलो जी, थोड़ा सा मैं आगे आ जाता हूं. तो अब ये आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, डेट्स पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लें कि अपना जो एग्जाम होने वाला है वो 30 जून से 6 जुलाई के बीच में अपना एग्जाम होगा. इसके बाद रिजल्ट जो अपना आएगा वो 8 जुलाई तक अपनी जो रैंक आ जाएगी, और 8 जुलाई से ही आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी. मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं रजिस्टर आप करवा लीजिए, किसी ना किसी काउंसलर से आप मिल लीजिए, फटाफट काउंसलिंग करवाइए, करवाने के लिए एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि बाद में जैसे ही रिजल्ट आता है तो सबके पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपका नंबर आने में वहां पे फिर टाइम लग जाता है. ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे जाता हूं. तो लास्ट ईयर का थोड़ा सा एक मैं आपको रफ आइडिया दे दूं, तो लास्ट ईयर क्या था कि 5 राउंड में काउंसलिंग हुई थी. ठीक है, 5 राउंड में कैसे काउंसलिंग हुई थी? 5 राउंड में ऐसे हुई थी कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5, ये 5 राउंड में काउंसलिंग हुई थी. और इसमें रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग डेट्स पे काउंसलिंग थी. जैसे फेज 1 की जो काउंसलिंग है रैंक 1 से लेकर रैंक 20,000 तक, वो हुई थी पहले राउंड फेज में, सेकंड फेज में, फिर थर्ड फेज में, फिर फोर्थ फेज में, और फिर फिफ्थ फेज में. तो इस तरीके से पूरा काउंसलिंग का फेज वहां पे बना हुआ था. थोड़ा सा और आगे जाता हूं, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी, यहां पे दो तरीके के प्रोग्राम है. दोनों ही प्रोग्राम्स की जो फीस है वो अलग अलग है. तो ग्रुप ए के जो प्रोग्राम्स यहां पे इन्होंने दिखाए हुए हैं, उसमें बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और फैशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये सारे जो है इसने ग्रुप ए में रखे हुए हैं. और ग्रुप बी में इन्होंने ये सारे प्रोग्राम रखे हुए हैं जो कि आपको लेफ्ट में दिख रहे होंगे. जनरली जो सारी की सारी टेक ब्रांचेस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, तो ये सारे जो इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है ग्रुप बी में रखा हुआ है. और कंपेयर करूंगा ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात से, तो ग्रुप ए की जो फीस है वो ग्रुप बी से कम है. ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और है कि इसमें कैटेगरी वाइज सिस्टम भी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5. तो जब आप इसमें काउंसलिंग में अपनी सीट्स भरेंगे तो आप एक ही ब्रांच को कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 3 में, कैटेगरी 4 में और कैटेगरी 5 तक भी आप उस ब्रांच को खींच के ले जा सकते हैं. तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 में अगर आप किसी ब्रांच को आप लेके जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसकी फीस जो है वो बढ़ती जाएगी. और बढ़ते बढ़ते जो फीस, जो सीट आपको मिल रही थी लगभग 3 लाख के आसपास जो आपको सीट मिल रही थी, वो सीट आपको पड़ेगी 5 लाख तक भी आपको वो सीट पड़ सकती है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, इस तरीके से यहाँ पे ये चलता है. तो हर कैटेगरी में अलग फीस स्ट्रक्चर है, जो कि हालांकि मेरे को सही नहीं लगा, लेकिन ठीक है, फिर भी जो बच्चों की रैंक ज्यादा है तो उनके लिए एक अच्छा एडवांटेज ये यहाँ पे हो सकता है. थोड़ा सा मैं और आगे आ जाता हूं. अब मैं बात करता हूँ रिफंड पॉलिसी की. तो रिफंड पॉलिसी का सिंपल सा यही है कि आपके जो रिफंड पॉलिसीज हैं, आप 25 डेज फ्रॉम द कमिसमेंट ऑफ प्रोग्राम, अगर आप 25 दिन के अंदर अपना रिफंड चाहते हैं तो 10% जो लगता है डिडक्ट होके फीस में से, प्लस 18% जीएसटी वो डिडक्ट होके आपको मिल जाता है. तो मोटा मोटा रिफंड पॉलिसीज का ये है. थोड़ा सा मैं और आगे जाता हूँ. अगर स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्कॉलरशिप का भी बहुत अच्छा है कि अगर आप टॉपर हैं किसी स्टेट के और सेंट्रल बोर्ड के, तो 100% ट्यूशन फीस आपको चारों साल की, एक साल की नहीं, चारों सालों की ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी. वीआईटी में अगर रैंक होल्डर है 1 to 50 तो 75% फी वेवियर है चारों साल का. वीआईटी में अगर आप 51 से 100 में है तो 50% फी वेवियर है, और अगर 101 से लेकर 1000 में है तो 25% फी वेवियर है चारों साल का. तो गाइस ये था मोटा मोटा वीआईटी के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग. अगर आप लोग कुछ और आप लोग चाहते हैं काउंसलिंग करवाना, या इंडिविजुअल हमसे बात करना है, डिस्कशन करना सारी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.